शादी अच्छे से संपन्न हो गई है। बिल्कुल, आपने दवाई ली? अच्छा याद दिलाया, चाय के बाद देता हूँ। हाँ। मैडम आपकी चाय यहाँ रख दो। और हाँ, भैया भाभी उठ गए हो तो उन्हें भी पूछ ले। जी मैडम। सर आपके लिए चाय या कॉफी कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब शादी हो चुकी है हमारी, अब तो इतना भारी तैयार होना बंद कर दो। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही? ऐसा तो कहा ही नहीं मैंने। तो मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है, एक बार शादी हो जाने के बाद बीवी अच्छी ही नहीं लगती। वाह, दूसरे दिन बीवी वाले डायलॉग शुरू कर दिए तुमने तो। आगे आगे देखो होता है क्या। अब और आगे क्या दिखाओगी, सास बहू के झगड़े? माफ करना पति जी, और कुछ हमसे हो ना हो ये हमसे नहीं होगा। शुरू शुरू में सारी बहुएं ऐसा ही तो कहती है, फिर रोज की खिटपिट, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ बीवी, बेचारा मर जाए तो कहाँ जाए। इतनी ही तकलीफ थी तो शादी क्यों की? माँ के लिए। अच्छा, तो मैं तो तुम्हें पसंद ही नहीं हूँ, है ना? ऐसा नहीं कहा मैंने, पर अंजलि शादी के दूसरे दिन तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, पर मां की इच्छा थी कि मैं कर लूं, और तुम्हें पता है मैं मां को मना नहीं कर पाता। मां से डरते हो क्या? मां को प्यार करता हूं। अच्छा, काश थोड़ा सा प्यार मुझसे भी कर लेते पति जी। हाँ, ये शिकायत तुम्हारी सही है। मार खाओगे क्या? अच्छा ये बताओ, माँ में आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब माँ तो माँ है, माँ में सबको सब अच्छा ही लगता है ना। ऐसे नहीं, ठीक से बताओ ताकि मैं भी माँ जैसी बन सकूं। माँ, शी इज जस्ट परफेक्ट। पूजा करती है तो लगता है साक्षात देवी हो, खाना खिलाती है तो अन्नपूर्णा, आदेश देती है तो लगता है कहीं की महारानी हो, काम करती है तो सवाल होता है कि इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाती है। हम सबको संभालने में वो हर रोज वक्त को हराती है, रोज सुबह 6 बजे वही मुझे उठाती, और मैं कितना भी लेट आऊं
रात को वही मुझे सुलाती है। कुछ सिखाना हो तो गुरु बन जाती है, सुधारना हो तो दुश्मन बन जाती है, नन्ही सी बात पर रूठ जाती है, और अगर उसकी गोद में जाकर सो जाओ तो फिर से माँ बन जाती। रुको रुको रुको, इतना तो कोई भगवान भी नहीं करता। आपके भगवान नहीं कर पाते, हमारे तो कर पाते। मैं नीचे जा रही हूँ, आप नहा लीजिए, मैं चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। ठीक है। लाइए ना मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। आप क्यों तकलीफ उठा रही है? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, जब तुम नहीं थी तब ये काम मैं ही करती थी। पर अब मैं आ गई हूँ, लाइए मुझे दीजिए। बहुत काम करने की जल्दी है। अरे बेटा अभी तो दूसरा ही दिन है, अरे कहीं बाहर घूमने जाओ। हाँ बाजू में भगवान का मंदिर है, दर्शन करके आओ। नहीं नहीं, फिर कभी। कबल नहाने गए हैं और उनके लिए चाय नाश्ता भी तो बनाना है। ठीक है चाय नाश्ता बना लो। हाँ मगर एक बात कहती हूँ, सुबह उठते ही भगवान के लिए थोड़ा वक्त निकाला करो। तजुर्बे से कहती हूँ, काम कभी खत्म नहीं होता है, मगर पूरे दिन में भगवान के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। और फिर किचन में आना। चाय पत्ती कहाँ रखी है? ये क्या, सामने ही तो पड़ी है। और हाँ भगवान का मंदिर सीढ़ी के पास है, देखा होगा तुमने। वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा चाय तो अभी अभी हुई, फिर भी आपके हाथ की चाय पीने आ गया मैं। अच्छा तो हमारी पूर्णिमा जी ने आज से ही आपको काम पर लगा दिया क्यों? नहीं नहीं पापा, चाय पिलाना भी तो कोई काम होता है। हाँ चाय पिलाना, खाना बनाना, घर संभालना, ये भी कोई काम है भला? सिर्फ चाय ही तो बनाते हैं। अरे बेटा ऐसा मत सोचो कि हम सिर्फ चाय बनाते हैं, हम लोगों का दिन बनाते हैं। तो मम्मी जी आप भी आ जाइए, हम आपका दिन बना देते हैं। बेटा मुझे बहुत काम है। ये श्रुति को देखो, कुछ काम नहीं होता इसे। और ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। हाँ आओ ना बैठो ना, वैसे हमारी तो कभी आपने सुनी नहीं, कम से कम अपने बेटे की तो सुनो। अपने बेटे की नहीं तो नई नवेली बहू की तो बात सुन लो। किसी की नहीं तो अब चाय की सुनो। ये मानकर आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको एक बात और माननी पड़ेगी कि आपने जो बहू को हाथ से काम पर लगाया है ना, ये अच्छा नहीं किया। जालिम सासू माँ। अरे मैंने किसी को काम पे नहीं लगाया है, पता है मुझे खुद की शादी हो तो कितनी थकान लगती है। अरे मैंने तो उसे जगाया भी नहीं आज। अच्छा कवन बेटा ये बताओ कि बहू को लेकर कहीं जाने का आज प्लान बना है कि नहीं? हा? अरे भाई चुप क्यों हो,
हमने तुम्हारी शादी की जबरदस्ती करवाई क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है पापा, वैसे हमने आज ऐसा कुछ सोचा नहीं। हाँ तो अब सोचो, सोचो कहाँ जाओगे? अब कहाँ जा सकते हैं? कमाल है, वैसे तो दोस्तों के साथ में हर जगह पे घूमता रहता है, आज बहू को बाहर लेकर जाने की बात आई तभी जगह नहीं मिल रही है तुझे। अरे पर मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। भाभी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, फिर तो भैया आपको सुबह के नाश्ते पर और रात को डिनर पर ही मिलेंगे। और जाना कैसे नहीं है, कुछ नहीं तो कम से कम नजदीक वाले मंदिर में जाओ, अच्छा लगेगा। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, एक दो घंटे के लिए तुम लोग बाहर जाओगे तो मैं पूरा घर साफ कर लूँ ना। भैया आपके पास दो घंटे है तो आप भाभी को लेके सिद्धि विनायक मंदिर क्यों नहीं जाते? मस्त आइडिया है, सिद्धि विनायक चलते हैं। अरे पर यूं गए यूं वापिस आए ऐसा मत करना। अरे जा रहे हो तो थोड़ा टाइम वहां बैठना। ठीक है मेरी प्यारी माँ, चलो मंदिर चलते हैं। क्या मंदिर मंदिर लगा रखा है, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कुछ काम बाकी है वो निपटा कर आता हूं। शादी तो हो गई, ऐसे काम है जो अधूरे पड़े हैं। मैं भी आया। हेलो, हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाहर जाकर बात करता हूं। बेटा पापा को तो खाओ बेटा, आपका व्रत है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। मम्मी नाश्ते में क्या बनाऊं? बेटा आज तो मेरा चौथ का व्रत है। पापा आपके लिए? बेटा मुझे तो आप जो भी देगी चलेगा। ठीक है। भाभी आप चौथ नहीं करते क्या? नहीं। कोई भी व्रत नहीं रखती हो? नहीं, सोमवार का व्रत तो मैं रखती हूँ। मैं नाश्ता बना के आती हूँ। एक बात कहूँ मैं आपसे? बोलो ना। ये अंजलि की बात मुझे समझ में नहीं आती है। क्यों, क्या हुआ?
कई बार मैंने उसे पूजा करने के लिए कहा, मगर वो कभी पूजा करने के लिए आती नहीं है। और सीढ़ियां तो इस तरह से उतर के चली जाती है जैसे मंदिर उसने देखा ही ना हो। क्या आप भी? नहीं नहीं, आपके मन का वहम होगा। हो सकता है कि वो जल्दी सुबह उठकर पूजा कर लेती हो। आप क्या बात करते हो, घर में सबसे पहले तो मैं ही जगती हूँ और मैंने तो कभी उसे पूजा करते हुए नहीं देखा है। इतनी अच्छी बहू मिली है फिर भी कुछ न कुछ तो आप इसमें ढूंढती रहती हो। नहीं बाबा, मम्मी की बात सच है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं और रास्ते में मंदिर आता है फिर भी भाभी कभी सर नहीं झुकाते। और तो और हम गाड़ी से उतरते भी है तो भाभी कभी नहीं उतरती। एक बार मैं अपनी फ्रेंड के वहां गई थी, वहां पर उन्होंने अपने घर का मंदिर दिखाया तो भाभी वहां पर भी नहीं आई थी। मेरे फ्रेंड को बहुत बुरा लगा था। ये अंजलि ऐसा क्यों करती है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। पर तुम्हें मंदिर आने से दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है कवन। तो फिर चलो ना, सभी तो जा रहे हैं ना। हाँ तो घर पर भी तो कोई चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं ये प्लान ही कैंसिल कर देता हूं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? जिद तुम कर रही हो अंजलि, और मुझे बच्चा समझने की गलती भी। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? तुम कभी भी किसी भी मंदिर में हमारे साथ नहीं जाती। रास्ते में कोई मंदिर हो या किसी के घर का मंदिर हो, तुम कभी दर्शन नहीं करती। हाँ, पर अपने घर के मंदिर में पूजा करती हो। हाँ तो हर मंदिर में माथा टेकती चलूं? तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, वैसे भी रास्ते में तो हजारों मंदिर आते हैं और ऊपर से कभी कभी तो ये भी पता नहीं चलता कि भाई उस मंदिर में भगवान कौन से हैं। अरे भगवान कोई भी हो, दर्शन तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो मुझे बहस नहीं करनी, तुम आ रही हो या नहीं। मैं अपने फैसले नहीं बदलती कवन। सुनो ना, नाश्ता तो करके जाओ। मुझे नहीं करना। अंजलि बेटा यहां आओ। जी मम्मी जी। बैठो यहां पे। अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। बेटा मुझे पता है कवन कभी भी बिना चाय पिए ऑफिस जाता नहीं है। मंदिर जाना कैंसल हुआ उसकी वजह से वो नाराज है ना? नहीं मम्मी। वैसे भाभी आप अपने घर में तो पूजा करते थे ना, तो फिर दूसरे मंदिर में दर्शन करने में क्या दिक्कत है? अरे पर हर जगह मंदिर क्या जाना, रास्ते में तो न जाने कितने मंदिर आते हैं, तो क्या सब में चली जाऊं? बेटा ये तो मैं भी मानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, मगर जहाँ पे भी हमें भगवान का मंदिर दिखाई दे, देवस्थान दिखाई दे, तो हमें दर्शन करना जरूरी है बेटा। यानी कभी भी कहीं भी? नहीं बेटा, इनका कहने का मतलब यह है कि भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। अब बताओ सास वक्त बे वक्त लेती हो ना, कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर समय निकालती हो? पर मम्मी सांस तो चलती ही रहती है। बस तो मैं वही तो समझाना चाहती हूँ बेटा, ये सांस
उसी की तो देन है, तो उसका शुक्रिया अदा तो हमें करना चाहिए ना। मगर हम संसारी ये पूरा दिन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मगर जहाँ पे भी मंदिर दिखाई दे, देवस्थान दिखाई दे, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना बेटा। और बेटा, अगर अलग ढंग से देखा जाए तो हम दिन भर कितनी सारी समस्याओं में अपने मन को उलझाए रखते हैं। इसीलिए मंदिर जैसे कई देवस्थान बनाए हैं मन की शांति के लिए। हमें मंदिर जाना चाहिए, भगवान को श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए और मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए। इससे मानसिक स्वास्थ्य को भी फायदा होता है। वैसे श्रद्धा में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, पर फिर भी 2 मिनट मंदिर के सामने हाथ जोड़कर नमन करने में जाता क्या है? और ईश्वर ने हमें पूरी जिंदगी दी, तो उनके लिए हम चंद लम्हे तो निकाल ही सकते हैं ना? बिल्कुल बेटा, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें रास्ता नजर ही नहीं आता है, क्योंकि हमारा मन अशांत होता है। मगर जैसे ही हम भगवान के मंदिर में भगवान के सामने जाकर बैठते हैं तो हमें अपने आप रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल सही। अरे मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। और वैसे अभी के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि पतिदेव नाराज नहीं होगी। तो फिर ठीक है, कवन के जन्मदिन पे हम सब मिलके मंदिर जाएंगे। ये सिद्धि विनायक नहीं, सोमनाथ महादेव। श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 23 में कहा है कि कोई भी धर्म, संप्रदाय या देव का स्थान हो, सबको आदर के साथ नमस्कार करना चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। सागर ला।